जय सनातन धर्म की। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आपने सुना होगा, बहुत लोग ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है। वो लोग मूर्ति पूजा का विरोध भी करते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध करने वालों, जरा कान खोल करके सुन लो और अपनी धारणा को स्पष्ट कर लो कि आपका मत और मूर्ति पूजा के बीच में कितना बड़ा फर्क है। दर्शकों, जब भी हम आध्यात्म की बात करते हैं तो हम अपने अंतर जगत में जाने की बात करते हैं, लेकिन जब बात अंतर जगत में जाने की करते हैं तो हम बाहरी चीजों को विस्मृत कर देते हैं, उन्हें भुला देते हैं या उनके महत्व को कम आंकना शुरू कर देते हैं, और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि जब भी हम अध्यात्म के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमें प्रतीक रूप में कोई ना कोई चीज तो चाहिए, ताकि हम अपने मन को एकाग्र कर सके, एक स्थान पर रोक सके, और इसी कारण से मूर्ति पूजा की जाती थी। यानी कि आप जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उनकी प्रतिमा को आप अपने सामने रख करके अपने मन को वहां स्थिर करने का प्रयास करते हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट यह है। अगर आप कहेंगे कि मैं कोई अपनी नई बात कह रहा हूं, तो इसको बात को आगे बढ़ाने से पहले अब कुछ बात आपके सामने वो रखता हूं जो आपके कान को जरा खोल भी देगी और आपको बात समझा भी देगी। एक मुस्लिम संप्रदाय से आने वाले व्यक्ति जब नमाज पढ़ते हैं तो वो क्यों पश्चिम की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं, क्यों काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? क्योंकि वहां पर भी वो प्रतीक रूप में उस काबा शरीफ को ध्यान में रखते हुए नमाज पढ़ते हैं। चर्च में जाकर के जब प्रार्थना करते हैं तो वहां भी जीसस क्राइस्ट की सामने प्रतिमा होती है, क्रॉस होता है, उसको ध्यान में रखते हुए वो अपने विचारों को वहां केंद्रित करते हुए प्रार्थना करते हैं। गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां गुरु ग्रंथ साहिब है, वहां वो अपनी आस्था को केंद्रित करते हैं। जैन संप्रदाय में अगर आप देखेंगे तो वहां जाकर के वो तीर्थंकर के सामने जाकर के अपनी प्रार्थना करते हैं। यानी हर धर्म के अंदर प्रार्थना पूजा के लिए एक प्रतीक रूप का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, और इसी तरह से हम भी अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए, अपने आराध्य के पास अपने विचारों को केंद्रित करने के लिए ही मूर्ति पूजा का विधान दिया गया है। जो लोग ध्यान करते हैं वो लोग भी अपने भीतर एक प्रतीक रूप में प्रकाश को देखने का प्रयास करते हैं, यहां भी वो प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मार्ग है वो ध्यान मार्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कह देना कि मूर्ति पूजा गलत है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आज हम ग्रेजुएट हो गए तो क्या इसका मतलब ये है कि हम स्कूलों को बंद करा दें, प्राइमरी टीचर्स जो है उनको हटा दें, प्राइमरी जो क्लासेस लगती हैं उनको हटा दें, प्ले ग्रुप जो होता है बच्चों के लिए जहां पर स्कूल के अंदर उनको एंट्री देने के लिए, उसके बाद वहां पर एक साल उनको पढ़ाया जाता है, क्या उसको बंद कर दें? हम बड़े हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अभी भी छोटे हैं, उन्हें स्कूल में जाने के लिए तो वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो जरूरी नहीं है कि आध्यात्म के अंदर जितना मार्ग हमने तय किया है वो मार्ग हर किसी ने तय कर लिया हो। इसीलिए सबसे पहले प्रतीक रूप को सामने रख करके उनकी आराधना पूजा की जाती है, ताकि हमारा मन और तन एक स्थान पर स्थिर हो। यही कारण है कि मंदिरों का निर्माण कराया गया, अलग अलग मंदिरों का निर्माण कराया गया। आप शिवजी के मंदिर में जाते हैं तो वहां क्या आपको शंकर भगवान के अलावा और कोई याद आता है? क्या वहां आप मां दुर्गा को याद करते हैं? कृष्ण के मंदिर में जाते हैं तो क्या आप राम को याद करते हैं? राम के मंदिर में जाते हैं तो क्या आप गणेश जी को याद करते हैं? यानी आपकी एक विचारधारा होती है, आप अपने किसी देवी देवता को आराध्य के रूप में मानते हैं और वहां जाकर अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, ये आपकी प्रारंभिक पढ़ाई है। यहां से आपका अध्यात्म का मार्ग आरंभ होता है, लेकिन प्रतीक को ही समाप्त कर दिया जाए या प्रतीक रूप में जो चीजें अपनाई जाती हैं उन्हीं का खंडन करना शुरू कर दिया जाए तो आप आने वाली पीढ़ी को संदेश क्या देंगे? इसीलिए मूर्ति पूजा एक प्रतीक रूप में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, जिसे हर धर्म के अंदर अपनाया जाता है अलग अलग तरीके से। मुस्लिम लोग
काबा शरीफ को ध्यान में रखते हुए अपनी इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ईसाई लोग चर्च के अंदर जीसस क्राइस्ट को प्रतीक रूप में मान करके अपनी प्रक्रिया को पूरा करते हैं। हिंदू देवी देवताओं को मान करके अपनी प्रक्रिया को पूरा करता है और इसीलिए मंदिरों का निर्माण भी किया गया। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, हम तो किसी को नहीं मानते, हम तो अपने गुरु को मानते हैं। तो वहां पर भी आप सिंहासन पर, आसन पर गुरु की तस्वीर रख करके, उनका स्वरूप रख करके, वहां भी आप प्रतीक रूप में अपनी पूजा को करते हैं। यहां भी आप एक प्रक्रिया को अपना रहे हैं। आप अगर प्रकृति को मानते हैं तो भी आप सूर्य को देख करके, चंद्रमा को देख करके, यानी किसी भी प्रतीक रूप को आप सामने जरूर रखेंगे यदि आपको अध्यात्म के मार्ग में बढ़ना है तो। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसीलिए किसी की भी पूजा पद्धति पर सवाल उठाने से पहले आपको ये जरूर समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति हो सकता है प्राइमरी का हो, आप हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएट हो, लेकिन आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी प्राइमरी के बच्चे को तिरस्कृत करें। इसलिए जो मूर्ति पूजा करता है अभी उसका अध्यात्म का ज्ञान छोटे लेवल पर है, धीरे धीरे अपने आप उसको प्रेरणा मिलेगी, वो आगे भी बढ़ेगा, अंतर जगत की यात्रा को करने के लिए प्रेरित भी होगा। ये उसके जीवन में घटने वाली घटना है, उसे स्वाभाविक तौर पर घटने दीजिए, वो अपने आप इस मार्ग पर चलेगा। अब जबरदस्ती उसको अगर ले भी आएंगे तो उसका मन नहीं लगेगा, उसका सामर्थ्य भी ऐसा नहीं है, वो बार बार वही जाएगा जहां उसको अच्छा लग रहा है। इसीलिए आध्यात्म की यात्रा में किसी को किसी भी तरीके से प्रताड़ित करना या उसकी प्रक्रिया का विरोध करना या उसके संदर्भ में अपने ऐसे शब्दों को रखना जो किसी के हृदय को ठेस पहुंचाते हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भगवान राम ने भी रामेश्वरम के अंदर भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करके वहां भी प्रतीक रूप में उस शक्ति का स्मरण किया, उनका आह्वान किया, यानी प्रतीक आवश्यक होता है। जब हम भारत की बात करते हैं तो वहां भी प्रतीक रूप में भारत का झंडा होता है तो कपड़े का ही, लेकिन वो प्रतीक है हमारे गर्व का, हमारे सम्मान का, हमारे स्वाभिमान का, हमारे देश के प्रति हमारे समर्पण की भावना का। तो वहां हम उस प्रतीक का भी कितना आदर करते हैं आप लोग जानते हैं। यहां तक कि आप देखिए, अगर कोई खराब व्यक्ति है लेकिन भगवा वस्त्र पहनकर आ जाए तो एक बार आप भगवा वस्त्र को देख करके हाथ अवश्य जोड़ेंगे। ये बात अलग है कि जब आप उसको पहचान जाएंगे तो आप इसका विरोध भी करेंगे या उससे अपने आप को दूर कर लेंगे, लेकिन पहला प्रतीक भगवा था तो आपने उसको प्रणाम जरूर किया। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर प्रतीकों का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले लोग जरा ये समझ लें, हो सकता है आपका आध्यात्मिक ज्ञान उच्च कोटि का हो चुका हो, लेकिन संसार में 800 करोड़ लोग हैं, उनका ज्ञान भी आपके स्तर का हो यह आवश्यक नहीं है। इसीलिए उनको प्रारंभिक शिक्षा को पूरा कर लेने दीजिए, उसके पश्चात वो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहां पर एक विचार विवेकानंद का भी मैं जरूर रखना चाहूंगा, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, लेकिन अमूमन कहा जाता है कि विवेकानंद का विचार है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने यहां रख भी रहा हूं। विवेकानंद कहते हैं कि जब मैं किसी बच्चे को मंदिर में जाता हुआ देखता हूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि वहां जाकर के वो प्रतीकों के बारे में पूछेगा जरूर कि दीपक क्यों जलाते हैं, ये आरती क्यों करते हैं, ये घंटी क्यों बजाते हैं, ये अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, ये चरणामत क्यों लेते हैं। लेकिन जब मैं एक बुजुर्ग को मंदिर जाते हुए देखता हूं तो मुझे पीड़ा होती है, क्योंकि इस व्यक्ति ने पूरा जीवन मंदिर जाते हुए बिता दिया लेकिन आज तक ये इन प्रतीकों के रहस्य को समझने के काबिल ही नहीं बना। यहां विवेकानंद की टिप्पणी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां वो इस टिप्पणी के द्वारा पूरी बात को स्पष्ट करते हैं कि मंदिर किस लिए होते हैं, किस लिए जाया जाता है और उसके आगे की प्रक्रिया भी आवश्यक है। लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध करने वालों को ये जरा समझ लेना चाहिए, अज्ञानता में आकर के किसी के संदर्भ में कुछ कहना ये अच्छी बात नहीं है। इस आध्यात्म के मार्ग में इतनी विशालता है कि हमारा एक जीवन भी छोटा है, तो ऐसे में आप अपने विचारों को लेकर के किसी दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें ये बात ठीक नहीं है। बहुत से लोग शास्त्र ग्रंथों को लेकर के उनकी महिमा के संदर्भ में कहते हैं कि जो कुछ है ये शास्त्र ग्रंथ ही है और इनमें जो लिखा है वही प्रमाणित है, तो यहां पर भी आपने ईश्वर की वाणी को भी प्रतीक रूप में, शास्त्र ग्रंथों के रूप में माना है। प्रतीक के रूप में आप किसी ना किसी चीज को लेंगे जरूर,
चाहे आप गुरु को ले, ईश्वर को ले, मूर्ति को ले, जीसस क्राइस्ट को ले, काबा शरीफ को ले, गुरु ग्रंथ साहिब को ले, आप लेंगे जरूर, क्योंकि इसके बिना ये संभव ही नहीं है। लेकिन जो बिना प्रतीकों के फिर अगर वो अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है तो समझ लीजिए वो फिर नर नहीं है, नारायण है, क्योंकि नारायण को प्रतीकों की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बिना प्रतीकों के यदि आप अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो समझ लीजिए आप नर से नारायण की प्रक्रिया की तरफ जा रहे हैं, और ये प्रक्रिया अभी तक तो इस संसार में किसी ने भी नहीं की है। इसीलिए आप कुछ अलग करना चाहते हैं वो आपका विषय हो सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस संसार के अंदर प्रतीक रूप में ही पहले अध्यात्म को जाना जाता है, उसको समझा जाता है, और प्रतीकों को साथ में लेकर ही इस यात्रा को पूरा किया जाता है। फिर चाहे आप किसी गुरु को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, दिव्य शक्तियों को मानते हो, या किसी और धर्म को मानते हो। इसीलिए अध्यात्म के इस रहस्य को समझिए, सनातन को समझिए, आपकी दिमाग की परतें धीरे धीरे खुलती चली जाएंगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।